हो जाए डिलीवरी उसका पेमेंट नहीं है, घर में डिलीवरी हो जाए उसका पेमेंट नहीं, जहाँ होम डिलीवरी हुई तुरंत जाके वजन बैठ करो बच्चे का, उसका कोई पैसा नहीं है। हॉस्पिटल जाते आएगी ऐसा उसका 250 रुपए देती है सरकार, ये बताइए 14 विजिट का 10 रुपए 11 रुपए बढ़ता है, 11 रुपए में आप क्या कर लोगे? हमारे बच्चे नहीं है, कोरोना काल में हम लोग बच्चों को छोड़ के घर घर 3 बजे तो कहारी में गए पोस्टर लगवाने, लेकिन एनएम हमें पैसा नहीं दी, खुद ले ली, हमारे अकाउंट में पैसा आके एनएम निकलवाई है, इसका मैं गवाह हूँ, मैं लिस्ट दूंगी जो है। यदि मोदी जी कहते हैं औरत को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा तो लिखा तो दिए काम में लगे, लेकिन मोदी जी जेंट्स और लेडीज में वेतन का क्यों फर्क कर रखे हैं? वेतन तो है, कुछ नहीं क्या किए मोदी, काम बढ़ाए, केजरीवाल आया काम बढ़ाया, पैसा क्या बढ़ाया? केजरीवाल बोला था मैं परमानेंट करके जाऊंगा, हम भी देखते हैं काम लाके, आज हम हड़ताल पे था, आप डिस्पेंसरी में चेक कर लो, कोई काम नहीं जा रहा, कोई रिपोर्ट नहीं जा रही, IMI की जीरो रिपोर्ट जा रही है, बताओ कौन देता है काम? हम ही तो देते हैं, जनाब लेते हैं पॉइंटों में, बताओ क्या करें हम? आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमको ये बोला गया था तुम स्वइच्छा से अपनी इच्छा से लगे हो, जब हम अपनी इच्छा से लगे थे तब हम अपनी इच्छा से काम करते थे, हम ओरल बोलते थे कि सर इतनी मैडम इतनी ANC है, इतनी डिलीवरी हुई है, पर अब हम पे दबाव डाला जाता है, जबरदस्ती हमसे काम करा जाता है, जब हम अपनी इच्छा से लगे थे तो हमारी इच्छा अब भी चलनी चाहिए ना, हमसे ऑनलाइन फोनों पे सारा काम हमसे लेते हैं, यहाँ तक कि एनएम का भी आधा काम हम लोग करते हैं, तो जब हमसे सरकार इतना काम ले रही है, उस टाइम पे हमारी तनख्वाह बोल रहे थे कि कुछ तनख्वाह है तुम्हारी, वो स्वइच्छा ठीक थी, पर अब जब हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है तो हमारी तनख्वाह फिक्स होनी चाहिए, हमें कर्मचारी घोषित होना चाहिए, क्योंकि पता है कि हम पे कितना दबाव होता है हम जानते हैं, हम पे कितना टॉर्चर करा जाता है, क्योंकि हमें तो आज भी देश आजाद है पर हम आजाद नहीं है, हम इसमें लगे हुए मुझे 13 साल हो गए पर हम आजाद नहीं है, हम आज भी बंधुआ मजदूर के जैसे काम करते हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ सर, कुछ भी बस सिर्फ काम में बदलाव हुआ है, काम बढ़ता जा रहा है, काम में सब जगह आशा को आगे रखा जाता है, कुछ भी होगा कोई महामारी फैलेगी कोई भी कुछ भी केस आएगा सबसे आगे आशा रहेगी, आशा उसे बिना मतलब के काम ले रहे थे जो हमारे अंदर नहीं भी आते। सर हमें जब स्टार्टिंग में लगाया था जब तो हमें ये बोला गया था कि भाई तुम्हें खाली एरिया में रह के काम करना है, लेकिन अब हमसे कोई भी बीमारी आए कोई भी कुछ भी काम आए वो बोलेंगे आशा कहाँ है, लेकिन आशा अपने हक के लिए बोलती है सर काम तो आ गया तनख्वाह कितनी दोगे, बोले अरे सरकार ने तो तुमसे आशा है, लेकिन सरकार को आशा ने कोई आशा नहीं है, वो तो अपने घर से खाली है, क्योंकि उन्होंने भी तो आशा को, आशा भी तो एक माँ है एक बहन है, अरे उसको भी तो एक भविष्य में ये सोचना भी क्या कमा रही है, घर के पूछते हैं क्या कमा रही है क्या, अरे यार 3000 रुपए, अरे घर बैठ क्या करिए, सारा दिन दौड़ती रहती है क्या कर रही है, लेकिन सरकार को कुछ भी शर्म नहीं आती, आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमसे हर मिनट में बोला जा रहा है लिख के दो आपको हटाया जाएगा, आप ये बताइए अगर हमें हमारी वेतन दीजिए हमारी तनख्वाह दीजिए हम तभी तो हटेंगे, अब की बार हटने वाले नहीं है जब तक हमें हमारा पूरा वेतन नहीं मिल जाएगा, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे, बोलो हम क्या काम करें, एक मजदूर भी 1000 रुपए डेली की दाड़ी लेता है, हम तो मजदूर से भी गए गुजरे हो गए हैं, क्या काम है जो आशा वर्कर करती है, बच्चे को हम देखते हैं जन्म से लेकर मरण तक काम है हमारा, हाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है वो भी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दो, अगर कोई जन्म होता है वो भी जल्दी रिपोर्ट दो, और जन्म करवाने भी हम ही जाते हैं, बताओ क्या काम नहीं है हमारा, रात को दिन को 24 घंटे जब मर्जी फोन आते हैं, हम कह रहे हैं हमारी फिक्स सैलरी कर दो।